जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। डीवी भारती समाचार न्यूज चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री, राजगढ़ झांसी। मेष राशि वालों के लिए आपको आज के दिन कोई नई शुभ सूचना अथवा यात्रा का संयोग बन सकता है। अटका हुआ काम आपका सिद्ध संपन्न होगा। दूसरी राशि है वृक्ष। वृक्ष राशि वालों को आज आप किसी तीर्थ क्षेत्र में अथवा अपने लोगों से जो बिछड़े हुए थे उनका संयोग बन सकता है मिलने का। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए आपके लिए आज के दिन विद्या जैसे क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त होंगी। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को भाग्य का उदय होगा। नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण जैसे योग बन सकते हैं। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के लिए आपको आज के दिन जैसे कृषि भूमि भवन आदि जैसे क्षेत्रों से जहां आपको लाभ प्राप्त होगा वहीं आप बिजनेस में भी हाथ आजमा सकते हैं। छठवीं राशि कन्या। कन्या राशि वालों को आपको आज के दिन घर परिवार मित्रों से अच्छे सहयोग प्राप्त होंगे। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वालों को आपको आज के दिन कोई शुभ सूचना अथवा विवाह जैसे शुभ संकेत प्राप्त हो सकते हैं। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपको आज के दिन क्रय विक्रय का कोई काम आप करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। नवम राशि धनु। धनु राशि वालों को आज आपको कोई बीमारी अथवा वाहन इत्यादि की दुर्घटना से संभल कर चलना पड़ेगा। दसम राशि है मकर। मकर राशि वालों के लिए आपको आज के दिन यदि आप घर से बाहर जाते हैं थोड़ा सोच समझ कर ही जाएं क्योंकि आपके लिए आज का दिन ज़्यादा ठीक नहीं है। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों के लिए आपको आज के दिन मानसिक तनाव बेचैनी कम होगी। यात्रा का संयोग योग बन सकता है एवं फंसा हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है। बारहवीं राशि मीन। मीन राशि वालों को भाग्य का उदय होगा एवं कृषि जैसे क्षेत्रों से आपको सफलताएँ प्राप्त होंगी। भूमि भवनादि जैसे निर्माण आप आज के दिन कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।